Lưu एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ वर्कशीट सो अगर आपके बच्चे पांच से सात साल के हैं तो आप इन वर्कशीट को यूज करते हुए उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है कलर द स्मॉल नंबर ब्लू एंड ग्रेटेस्ट नंबर रेड तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं हर एक बॉक्स में हर एक सेट में बच्चे को क्या करना है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो ढूंढना है और उसे कलर करना है दिए गए कोड से ब्लू कलर से और उसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर को कलर करना है रेड से इसी तरह से जितने भी इसमें सेट्स दिए गए हैं बच्चों को यह ढूंढना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है उसे अकॉर्डिंगली कलर करना है इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें बच्चे इजिली ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर तो ढूंढ लेते हैं लेकिन अगर आप वही चीज डबल नंबर नंबर यानी टू डिजिट या थ्री डिजिट नंबर देंगे तो बच्चे के लिए काफी टफ हो तो इस तरह से उनकी अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इज द द द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं बच्चों को इन नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वे में अरेंज करना है और दिए गए जगह पे लिखना है जैसे यहाँ पे देखिए ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव थर्टी थ्री फिफ्टीन तो बच्चों को इन इन नंबर में से देखना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है उसे पहले लिखना है और उसी की तरह डिक्रीजिंग वे में जाते हुए बच्चे को स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखना है ग्रेटेस्ट टू तो स्मॉलेस्ट को बच्चों को डिसेंडिंग दि, ऑर्डर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े नंबर से बच्चों को शुरू करना है और ग्रेजुअली बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए स्मालेस्ट नंबर पर एंड करना सो इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं सेम वे यहां पे देखिए यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तो अब अबव जो दिया गया था वो है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी कि यहां पे वाइज वर्जा हो जाएगा यहां पे जो नंबर्स दिए गए हैं बच्चों को उसमें जो स्मॉलेट नंबर है वो पहले लिखना है और फिर ग्रेजुअली बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे लास्ट में लिखना है जैसे देखिए यहां पे सेवेंटी टू ट्वेंटी टू फिफ्टी एट सिक्सटी थ्री तो अब इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है यानी ट्वेंटी टू सबसे पहले आएगा और उसके बाद जो बड़े नंबर है इंक्रीजिंग वे में जाते हुए ग्रेटेस्ट नंबर सबसे लास्ट में आएगा स्मॉलेस्ट

आता है उसे राइट right साइड में लिखना है।, जैसे यहां पे 63 है तो 63 में 63 के बिफोर क्या आता है बच्चों को ये समझना है। और जैसे 62, तो 62 बच्चों को इधर लिखना है और जो आफ्टर आता है उसे राइट right साइड में लिखना है यानी 64. Same way, 19, 31, 1, इसी तरह से 97, 28, 39, 99 इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें इस तरह की वर्कशीट से होता क्या है कि बच्चे को ऑलरेडी बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन अगर बच्चों को आप टू डिजिट या थ्री डिजिट नंबर देंगे तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो इस तरह की वर्कशीट उनकी प्रैक्टिस बनी रहती है द नेक्स्ट क्वेश्चन द एडिशन एंड सब्रेक्शन साइंस आर मिसिंग कैन यू फिगर आउट विच वन आर नीडेड सो यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशन दे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नंबर्स और इसमें जो साइंस है वो मिसिंग है बच्चों को क्या करना है हर क्वेश्चन को देखना है और उसमें कौन सा करेक्ट साइन यूज होगा यानी कि एडिशन यूज होगा या सब्रैक्शन वो बच्चों को इसमें दिए गए इस स्पेस में डालना है और से कंप्लीट करना है जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है टू स्पेस फोर इक्वल सिक्स तो यहाँ पे देखिए टू स्पेस फोर है तो बच्चों को ऑलरेडी एडिशन और सप्ट्रेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है समझा दिया जाता है तो इस तरह की इक्वेशंस आप बच्चों को समझा सकते हैं दे सकते हैं जिससे कि बच्चों के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो एडिशन और सप्ट्रैक्शन का तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है टू प्लस फोर यानी अगर टू के साथ हम प्लस करते हैं फोर को तब हमारा जो एक टोटल आएगा वो सिक्स आएगा तब ये जो इक्वेशन होगा ये करेक्टली फिट होगा उसी तरह से देखिए यहाँ पे है फाइव स्पेस टू अब फाइव के साथ अगर टू को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा सेवन जो कि यहाँ पे नहीं है तो बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना है कि फाइव के साथ अगर हम माइनस करेंगे यानी कि सप्रैक्ट करेंगे टू को तो हमारा जो आंसर आएगा वो थ्री आएगा तो बच्चों को यहाँ पे माइनस का साइन देना है उसी तरह से यहाँ पे थर्टीन माइनस थ्री इक्वल्स टेन सो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को जरूर इंट्रोड्यूस करें इससे बच्चों का एडिशन और सप्रेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो और बेस्ड जो होता है वो क्लियर होता है समझ पाते हैं बच्चे कि कब हमें ये समझना है कि हमें प्लस करना है और कब हमें माइनस करना है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द मिसिंग नंबर्स तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ मिसिंग स्पेस दिए गए हैं बच्चों को हर एक नंबर को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को दिए गए स्पेस को फिल करना है जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर है 85, 84 और यहां पे स्पेस दिया गया तो अब बच्चों को यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो कौन सा पैटर्न चल रहा है वो समझना है जैसे यहाँ पे 85, 84 उसके बाद क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है एटी के पहले एटी आएगा एटी के पहले क्या आएगा एटी उसी तरह से एटी टू एटी तो यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो बच्चे को वो अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फिल करने हैं उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट यहाँ पे भी अगेन बैकवर्ड काउंटिंग यूज हो रहा है तो बच्चे को अगेन यहां सिक्सटी नाइन से दिए गए स्पेस में जितने भी ब्लैंक्स है उसको बैकवर्ड काउंटिंग से फिल करना है यहां पे एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे देखिए 90, 91 वन तो ये अभी यहाँ पे देखिए 90, 91 है तो यानी यहाँ फॉरवर्ड चल रहा है काउंटिंग सो so, बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना है जो नंबर्स हैं वो बैकवर्ड जा रहा है और कौन सा फॉरवर्ड जा रहा है और ग्रेजुअली बच्चों को दिए गए मिसिंग स्पेस को फिल करना है इस द नेक्स्ट वर्कशीट तो यहाँ लिखा है टूडेज नंबर सेवन तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बच्चों को आप जरूर इस तरह का कॉन्प्ट एक बार बच्चों के ट्राई करिए काफी अच्छा मेंटल मैथ कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से तो यहाँ लिखा है टूडेज नंबर सेवन तो आप कोई भी आप बच्चों को अगर नंबर कोई सिखाना चाहते हैं तो कोई भी नंबर आप दे सकते हैं जैसे यहाँ पे

नंबर बिफोर सेवन के बिफोर कौन सा नंबर आता है सिक्स तो बच्चे को यहाँ पे सिक्स लिखना है उसी तरह से नंबर आफ्टर आफ्टर सेवन विच नंबर कम्स एट सेम वे ऑर्डिनन नंबर ऑर्डिनन नंबर ऑफ सेवन को कैसे लिखते हैं सेवन इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट फाइव नंबर यानी कि सेवन के नेक्स्ट फाइव नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं वो नेक्स्ट फाइव नंबर दिए गए स्पेस में लिखना है इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को जरूर इंट्रोड्यूस किया वंस इन अ वाइल इससे बच्चे काफी फन वे में भी समझते भी हैं और उनके लिए इजी हो जाता है इन सारे कॉन्सेप्ट को एड सब्रैक्ट अगर आप उसमें इंक्लूड करेंगे तो उनको वो कॉन्सेप्ट काफी जल्दी जल्दी वो मेंटली इसे सॉल्व करना पसंद करते हैं नेक्स्ट yes, क्वेश्चन फाइन द नंबर्स एंड राइट तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है दिए गए नंबर्स को फाइंड करना है और जगह पे लिखना है जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू टेंस एंड सिक्स वंथ तो टू टेंस एंड सिक्स वंस बच्चों को ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे नंबर है जो टू है वो टेंथ प्लेस पे है और सिक्स वन प्लेस पे वो कौन सा नंबर है तो यहाँ पे देखिए टू टेंथ एंड सिक्स वंथ मेक्स ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स जो है वो नंबर करेक्ट है तो वो बच्चे को यहाँ पे लिखना है उसी तरह से देखिए यहाँ पे वन टेन एंड एट वन तो सेम वे बच्चों को ये देखना है कि वन टेन यानी कि टेंथ प्लेस पे बच्चों को वन देखना है और वन प्लेस पे बच्चों को एट देखना है मेक्स एटीन तो बच्चों को ये एटीन यहाँ पे दिए गए जगह पे लिखना है सेम वे फोर टेंस एंड जीरो वंस मेक्स फोर्टी सो इस तरह से बच्चों को आप डेली प्रैक्टिस में टेंथ एंड वन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए दे सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पैटर्न तो ये एक पैटर्न वर्कशीट है जिसमें बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा ए बी सी ए बी सी सो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो ए बी सी ए बी सी वे में चल रहा है बच्चों को यही पैटर्न दिए गए यहाँ पे जो स्माइलीज बने हैं इमोशंस बने हैं वही सेम पैटर्न ए बी सी ए बी सी वे को यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है और उसके साथ मैच करना है तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला वाला है यहां पे अगर ये ए है अगेन ये सेम इमोशन है तो ये भी ए हुआ सो ए ए बी ए ए बी तो ये पैटर्न इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो ये मैच नहीं होगा सेम वे अगर ये देखिए ए बी और ये अगेन दूसरा कोई पैटर्न है यानी ये स्माइली है ये सैड है और ये एंग्री है सो ए बी सी ए बी सी तो ये ए बी सी सी इस पैटर्न के साथ मैच हो रहा है तो बच्चे को इसके साथ मैच करना है इनमें यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ए बी ए बी बी अब यही पैटर्न ए बी बी और ए बी ये पैटर्न बच्चों को इधर पे फाइंड करना है तो जैसे बच्चे ने मैच किया तो देखिए यहाँ पे ए बी यानी ये स्माइली है देन अगेन टू टाइम्स सैड यानी ए बी बी अगेन स्माइली एंड ए बी बी यानी ए बी बी सो ये पैटर्न बच्चे को इस पैटर्न के साथ मैच हो रहा है तो ये बच्चे को इससे मैच करना है उसी तरह से बाकी की जो पैटर्न है बच्चे को मैच करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को वंस इन अवस जरूर दें बच्चों को इससे प्रैक्टिस होती रहती है पैटर्न से और ये काफी एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए माइंड के ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन एट द नंबर्स टू कम्पलीट द क्रॉसवर्ड एंड फाइन द मिस्ट्री नंबर तो यहाँ पे कुछ क्रॉसवर्ड बना दिए गए हैं और कुछ एडिशन दिए गए हैं जो कि नंबर नेम फॉर्म में है और बच्चों को उसी

7 plus 5 equals 12 you see this is 6 plus 9 equals 15 ट्वेल्व प्लस सेवन इक्वल्स नाइनटीन इस तरह से अगर आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे इससे क्या होता है इसे दो फायदे हैं बच्चे एक तो नंबर नेम्स की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं साथ ही बच्चों का जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है बच्चे इसे सॉल्व कर दे तो जो ये रेड लाइन से जो बॉक्स बना है ये उनका मिस्ट्री नंबर है वही नंबर बच्चे को यहाँ पे स्पेस में लिखना है जो कि है सेवनटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों को इन्हें पढ़ना है और समझते हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसे करेक्ट टिक करना है और उसी तरह से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है जैसे पहला क्वेश्चन है कि एटी 82 तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है उसी तरह से फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर टेंस यानी जो 46 में फोर प्लेस जो है वो टेंस प्लेस पे और सिक्स जो है one place पे। that means this statement is correct. उसी तरह से देख नेक्स्ट है टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री सो टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री येस सो इट इज करेक्ट सेम वे नाइन्टी फोर इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फोर सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट सेम वे फिफ्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इज इट करेक्ट नो बिकॉज फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेंटी वन तो ये रॉन्ग है उसी तरह से टेन मोर देन फोर इज फिफ्टीन सो टेन मोर देन फोर कितना होता है टेन प्लस फोर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा फोर्टीन मोर का मतलब होता है एड यानी ज्यादा यानी उससे और मूव ऑन करना है आपको सो टेन मोर देन फोर यानी कि फोर प्लस टेन करेंगे या टेन प्लस फोर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो फोर्टीन आएगा और यहाँ लिखा है फिफ्टीन सो so, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स तो इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स आप बच्चों की डेली जैसे तो जरूर इंक्लूड जैसे यहाँ लिखा है देखिए हैज हैज डैश साइड्स सो हाउ ट्राएंगल साइड्स थ्री साइड्स उसी तरह से देर आर डैश डेज इन अ वीक सो देर आर सेवन डेज इन अ वीक नेक्स्ट दिस इज ए डैश शेप विच शेप इज दिस सो दिस इज एवल शेप सो बच्चे ने यहाँ पे ओवल लिखा है उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेप हैज फोर इक्वल साइड तो बच्चों को ये सोचना है कि कौन सा ऐसा शेप है जो कि जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं तो वो है स्क्वायर तो बच्चों को यहाँ पे स्क्वायर लिखना है नेक्स्ट दिसंबर इज डैश मंथ ऑफ द ईयर सो दिसंबर इज विच मंथ ट्वेल्थ मंथ ऑफ द ईयर नेक्स्ट सेवन इज हाउ मच सो बच्चों को यहाँ पे देखना सेवन टेंस यानी कि सेवन जो है वो ट्वेंथ प्लेस पे है एंड सेवन यानी सेवन अगेन वंस प्लेस पे सो इट मेक्स सेवेंटी सेवन सो द आंसर इज सेवनटी सेवन उसी तरह से नेक्स्ट है टेक अवे वन फ्रॉम एट यानी यहाँ पे देखो देखिए लिखा है टेक अवे यानी कि लेना है यानी कि माइनस करना है यहाँ पे माइनस करने को बोला जा रहा है जब भी टेक अवे होता है तो बच्चों को समझना है कि हमें माइनस यानी सप्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है सो टेक अवे वन फ्रॉम एट सो विच नंबर यू हैव टू सप्रैक्ट फ्रॉम फ्रॉम एट सो एट माइनस वन कितना हो गया सेवन सो so, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को जरूर इंक्लूड करें डेली बेसिस पे जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको समझने के लिए दैट्स ऑल फॉर टू वीडियो फ्रेंड्स आई होप कि ये जितनी भी वर्कशीट्स हैं ये आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बब